नमस्कार दोस्तों, मैं आयशा फिटनेस पहल से आयशा बोल रही हूँ। अभी पिछले दिनों जब लॉकडाउन हमारे देश का हुआ तो बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के वीडियोज अपलोड किए, बहुत सारे फनी, और जिनको भी जिस तरह का नॉलेज था उन्होंने अपना नॉलेज और इन्फॉर्मेशन शेयर किया। तो मैं बहुत दिनों से चाह रही थी कि मैं आपसे जुड़ूँ और मैं अपना छोटा मोटा जो भी मुझे आता है वो मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। तो कुछ एक वीडियोस मैंने अभी रिसेंटली अपलोड किए थे योगासन करते हुए, पर उसमें मेरा आपसे डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ था। सो मुझे बहुत खुशी हो रही है आप लोगों से मिल करके, और आज मेरा ये पहला इंटरेक्शन है आपसे। तो सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए कि इस तरह के विकट परिस्थिति में जो अभी कोरोना वायरस की वजह से इतना ज़्यादा लोगों में पैनिक हो रहा है, तो नंबर वन बात, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी भी कहते हैं और हमारे जितने भी योग के गुरु ऋषि सारे लोग कहते हैं कि मेडिटेशन यानी कि योग और प्राणायाम, प्राणायाम यानी प्राणों का आयाम, हम अपने जो श्वास लेते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट एक्सेल इनहेल जो करते हैं, उससे उस ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाता है वो हम अपने शरीर में उसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर में मैक्सिमम जगह पर उसको पहुंचा पाएँ उसी को प्राणायाम कहते हैं, प्राणों का आयाम यानी प्राणों का विस्तार। तो प्राणायाम की चर्चा अगर मैं कर रही हूँ तो इसमें एक तो मैं जो शेयर करना चाहती हूँ जो मैंने सीखा वो आप कह सकते हो भस्त्रिका और कपालभाति का वो मिला जुला है, तो उसको मैं कर करके आपको दिखाती हूँ। इसमें सबसे पहले हम इस तरह से वज्रासन में बैठ जाएंगे, ये वज्रासन में इस तरह से एकदम सुविधाजनक स्थिति में हम अपने आप को कर लेते हैं, और अपने दोनों हाथों को पहले इस तरह से हल्का मुट्ठी लेकर के हम अपने कंधे तक लाते हैं, फिर सांस खींचते हुए हाथ को ऊपर करते हैं, हाथों को खोल दिया, और फिर जैसे कपाल भाति में हम लोग सांस को छोड़ते समय सांस को धक्का देते हैं, को हम लोग कम से कम 3 से 5 मिनट करें। शुरुआत में अगर नहीं संभव है तो आप 2 मिनट भी करिए, मगर कम से कम इसको 5 मिनट अगर हम करते हैं तो इससे हमें भस्त्रिका और कपालभाति दोनों का लाभ मिलता है। दूसरा है प्राणायाम में अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन प्राणायाम भी कहते हैं। इसमें हम इस तरह से अगर आप पद्मासन लगाकर बैठ सकते हैं तो आप इस तरह से बैठ सकते हैं, और दोनों हाथों को ये मुद्रा आपका अंगूठा और ये तर्जनी उंगली इस तरह से होनी चाहिए, और इसको हम अपने घुटनों पे टिका देते हैं। हमारी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, हमारा स्पाइनल कॉर्ड बिल्कुल सीधा होना चाहिए, गर्दन सीधी होनी चाहिए, कहीं भी शरीर का भाग झुका या मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। और अब हम अपने अंगूठे से अपने दाएं नाक को बंद करते हैं और इन दोनों उंगली से बाएं नाक को बंद करेंगे, यानी कि पहले बाएं नाक को बंद करके बाएं से सांस लेकर के दाएं से छोड़ा, अब दाएं से सांस लिया, बाएं से छोड़ा, बाएं से सांस लिया, दाएं से छोड़ा। इसको कम से कम 15 मिनट, ये हमारे सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों को बैलेंस करता है। सूर्य यानी उष्णता, चंद्र यानी शीतलता, तो हमारे शरीर में दोनों तरह की चीजें होती हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना गर्म और ठंडा,
तो ये इन दोनों को बैलेंस करता है। इसके बाद भ्रामरी प्राणायाम, जिसमें हम अंगूठे से अपने कान के धड़कन को, आप यहाँ पे जो हमारा ये कान का ये भाग है इसको इस तरह से दबाया, इसी तरह से इस अंगूठे से इसको दबाया और ये उंगली इस तरह से करके सांस को पूरा भरेंगे और भ्रमरे की तरह गुंजन करेंगे। इस प्रक्रिया को भी कम से कम 5 से 7 बार करेंगे और अब दोनों हाथों की ये मुद्रा बनाते हुए दोनों घुटने पर रख करके ओम का उच्चारण कम से कम 5 बार करेंगे। सांस भरा, मैं वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैंने आपको करके दिखाया। इसको कम से कम 5 से 7 बार तो अवश्य ही करें और आजकल की जो ये कोरोना वायरस वाला जिस तरह का संक्रमण वाला सिचुएशन, तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ज़रूर करें दोस्तों। और इसके साथ ही मैं आज का ये अपना वीडियो बंद करती हूँ। नमस्कार।